मेरा बच्चा था उस्मान, 11 साल का, जिसको ट्रक ने उड़ा दिया। सिर्फ मेरे को इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं। वो गिरफ्तार हो जाए, अंदर हो जाए, हमको इंसाफ मिल जाए। मेरे बच्चे को बस, उसके अपराधी अंदर हो जाए। मेरा उस्मान 11 साल का, नहीं बोल सकती मेरे उस्मान को, मेरे छोटे से चाय को इंसाफ दे दो बस, और मुझे कुछ भी नहीं होना। मेरा बच्चा, अरे जो भी जिसने भी मारा बस उसको सजा दे दो। दो तीन दिन, फिर एक महीना, फिर एक साल, ऐसे करते करते बढ़ाते जाओगे तुम, तो फिर तो तुम कुछ भी नहीं करोगे। ऐसा नहीं है, पूरा किया है, रात में ही गुना दाखिल कर दिया। आखिर जो आरोपी पता चल जाए, कम से कम तो सुकून हो जाए घर वालों को, कि किसने उड़ाया ये नहीं पता था। उठ गया था रात में, अच्छा रात में 2 बजे गया था, बट लेकिन वहाँ पे नेटवर्क पे जो कैमरा है वहाँ पे वाहन की भीड़ जास्ता है। मेरा नाम राजू शेख है। मेरा बच्चा था उस्मान, 11 साल का, जिसको ट्रक ने उड़ा दिया। सिर्फ मेरे को इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं। वो गिरफ्तार हो जाए, अंदर हो जाए, हमको इंसाफ मिल जाए। मेरे बच्चे को बस, उसके अपराधी अंदर हो जाए, पकड़े जाए बस। मेरा उस्मान 11 साल का, नहीं बोल सकती मैं। छोटे से चाय को इंसाफ दे दो बस, और मुझे कुछ भी नहीं होना। मेरा बच्चा, आरोपी को जो भी जिसने भी मारा बस उसको सजा दे दो। बड़े दुख की बात है कि इस दुख घड़ी वक्त में, इस दुख के वक्त में माँ बाप इतना परेशान है कि उनसे, उनके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे। ये हम भी समझते हैं, लेकिन इनकी सारी बातें प्रशासन तक पहुंचाना एक मीडिया की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वसीम खान भी यहाँ पर मौजूद है, और बस्ती के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि इस दुख की घड़ी में तमाम मोहल्ले के अंदर एक सन्नाटा छाया हुआ है, एक मातम सा छाया हुआ, सबके चेहरे पे मायूसी नजर आ रही है। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि प्रशासन इस दुख घड़ी के अंदर, दुख की घड़ी के अंदर इन बच्चे के, जो 11 साल का बच्चा, उसका इंतकाल हो चुका है, उसे न्याय दिलाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। हम वैसे तुरंत स्पॉट पे आ गए, जैसे ही आगे वाली जो प्रोसेस है सभी हमने कर दिया है। जो आरोपी जो भी है, जिसने भी उड़ा दिया है, उसको पकड़ने के लिए हम तो प्रयास दिन रात कर रहे हैं।
लेकिन कैसा है इसमें सफलता हमको नहीं आ रही, लेकिन हम तो प्रयास कर रहे हैं। दो तीन दिन, फिर एक महीना, फिर एक साल, ऐसे करते करते बढ़ाते जाओगे तुम, फिर तो तुम कुछ भी नहीं करोगे। नहीं ऐसा नहीं है, हमने पूरा टेंशन किया है, इनसे भी पूछो, इनसे भी पूछो, हमने रात में ही गुना दाखिल कर दिया है। आपको कॉपी साहब आपने गुना हमको कुछ वो डाउट की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन साहब वो अज्ञात पे गुना दाखिल हुआ। दाखिल जो आरोपी पता चल जाए कम से कम तो सुकून हो जाए घर वालों को कि किसने उड़ाया, ये नहीं पता साहब, बेचारे की जान चलेगी, बच्चे की। और इतना भी लोग था साहब, काली माता मंदिर का जैसा पता लगाएंगे ना तो वहां तो कैमरा होगा, पेट्रोल पंप पे कैमरा होगा, पेट्रोल पंप पे कैमरा मैं खुद गया था रात में। अच्छा, रात में 2 बजे गया था, लेकिन वहाँ पे पेट्रोल पंप पे जो कैमरा है वहाँ पे वाहनांची भीड़ जास्त है, त्या ठिकाणी आपल्याला ड्रेस कोड नाही आणि त्या ठिकाणी कॅमेरे नाही आहेत पेट्रोल पंप। कल 10 तारीख के रात में 10 बजे चिकली चौक के पास एक एक्सीडेंट हुआ। इस एक्सीडेंट में एक 11 साल का बच्चा, उसकी डेथ हो गई। घटना एक दुर्दैवी घटना है। इस घटना के ऊपर कलमना पुलिस स्टेशन में गुना भी दाखिल किया है हमने, और जो भी ये ट्रक चालक है उसका सर्च उसका चालू है, और जल्द से जल्द हम उसको हमारी कस्टडी में ले लेंगे और उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। पीड़ित के परिवार से परिवार को भी हमने आश्वासन दिया है कि ये जो भी घटना हुई है, इस घटना में जो भी आरोपी है उसको हम जल्द से जल्द पकड़ लेंगे, और पीड़ित के घर वालों को हम जल्द से जल्द इंसाफ देंगे। इसलिए हम पूरा दिन रात करके हम उसका प्रयास करेंगे और जल्द से जल्द उनको इंसाफ दे देंगे। मेरा नाम वसीम खान, मैं नागपुर कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट हूँ, और इस वक्त मैं कलमना की महाड़ा कॉलोनी में खड़ा हूँ। आप मेरे एतराफ में देख सकते हैं, ये जो खड़े हुए ये उस्मान 11 साल का बच्चा, जिसकी कल गुरुवार के दिन 10 तारीख को रात में करीबन 9:30 बजे एक ट्रक हादसे में एक ट्रक वाले ने उसे टक्कर मारा और उसमें उसकी जान चले गई है। ये उस्मान के पिताजी है और ये इसकी मम्मी है। इनका बोलना है और यहाँ के बस्ती वालों का बोलना है कि यहाँ से डीजे में एक देवी का कुछ जा रहा था, तो बच्चा ऐसी ये सब बच्चे यहाँ के नाचने गए तो बच्चा देखने गया था, और उसी को देखने उसके जब पिताजी वहाँ पे गए सिराजू भाई, और ये अपने बड़े लड़के के साथ गए थे, जब बड़ा लड़का उसको लेकर रोड से इधर आ रहा था तो एक ट्रक वाले ने उसे ऐसी टक्कर मारा कि उसके पिताजी ने देखी कि रोड के बाजू पड़ा था। उसके पिताजी ने तुरंत उसको गोद में उठाया, एक्टिवा में उसके अपने दोस्त की मदद से पार्टी के भवानी अस्पताल गए, लेकिन भवानी एक इतनी अफसोस की बात है कि डॉक्टरों ने भवानी अस्पताल के वो बच्चे का कुछ इलाज ना करते हुए उस इनको बोल दिया कि आप मेवा अस्पताल जाओ या कहीं और जाओ, हम इलाज नहीं करते। जब ये मेवा अस्पताल पहुंचे तो वहां जाकर पता चला कि बच्चे की जान चली गई। आगे आप सर, क्या सुनने में ये भी आया है कि आपने बॉडी लेके कलमना थाने का घेराव भी किया है, बॉडी वहां पर लेके गए थे आपने, वहां पर आपको पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिला, क्या बताना चाहिए? बच्चे का सुबह 10 बजे से पीएम के लिए हमको बुलाए थे, लेकिन वो 12 बजे पीएम शुरू हुआ और 1 बजे हमको बॉडी मिली, तो बॉडी तुरंत लेकर कलमना हम लोग कलमना थाना पहुंचे थे। हमारा जाने का रीजन ये था कि हमारी मांग थी पुलिस प्रशासन से कि बच्चे को दफनाने से पहले आरोपी का पता लगाकर उसे गिरफ्तार करे, लेकिन ये बड़ी दुखद बात है, पुलिस कल रात से इंक्वायरी कर रही है लेकिन कोई सीसीटीवी में कोई भी किसी भी प्रकार का आरोपी का कुछ पता नहीं चला है कि कौन सा ट्रक से बच्चे को उड़ाए, कौन आरोपी है इसका कोई पता नहीं चला। तो एसीपी साहब अभी वहां पे आए थे, पीआई थे, उन लोगों ने हमको ये आश्वासन दिया है कि कुछ देर में डीसीपी साहब आने वाले हैं, वो अभी कई बंदोबस्त में लगे हैं, उनने हमको आश्वासन दिया है कि हम आरोपी का जल्द से जल्द पता लगाएंगे और उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे।